हे गाइस, ईवेक्सट्री ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कैसे आप स्क्रीन्स को मल्टीपल आर्टबोर्ड को सिंगल पीडीएफ में क्रिएट कर सकते हैं और कैसे मल्टीपल स्क्रीन को सिंगल सिंगल पीडीएफ और मल्टीपल पीडीएफ में भी क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। और कैसे आइकन को एसवीजी में एक्सपोर्ट करते हैं, आईओएस एंड्रॉयड का जो एक्सपेक्ट है, कैसे इमेज डेवलपर को प्रोवाइड करते हैं, कितने रेगुलेशंस होते हैं इमेज एक्सपोर्ट करने के लिए आईओएस में और एंड्रॉयड में, तो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आपको कि एक्सपोर्ट कंट्रोल ई जब प्रेस करेंगे तो कंट्रोल ई प्रेस करने के बाद आपका ऑप्शन आएंगे ये, और यहाँ से आपको पाथ सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपको सेव करना है। जैसे कि मैं सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे, सॉरी मैं यहाँ से सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे एक फोल्डर एसेट्स का मैं बना देता हूँ, एसेट्स स्लाइसिंग। और यहाँ पे एसेट्स स्लाइसिंग पे मैं टैप किया और ये फोल्डर सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे आपका हमेशा एक्सपोर्ट होगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पीडीएफ क्रिएट करने के लिए। पीडीएफ जब आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन, सभी में थ्री ऑप्शन है, आप पीएनजी क्रिएट कर सकते हैं, एसवीजी क्रिएट कर सकते हैं, पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको क्लाइंट को डिजाइन सेंड करना है तो आप सिंगल पीडीएफ में करते हैं, तो यहाँ पे आप सिंगल पीडीएफ पे क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट ऑल कर देंगे। तो जब एक्सपोर्ट ऑल करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको फोल्डर में दिखाता हूँ जो डेस्कटॉप पे हमारा स्क्रीन से सेट्स बना हुआ है, यहाँ पे ये पीडीएफ बन गई है। और ये पीडीएफ को मैं ओपन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डिजाइन का ये है, और आप देख रहे हैं कि ये हमारा पीडीएफ क्रिएट हो गया है। यहाँ पे पीडीएफ को अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट कर सकते हैं, या आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा सिंगल पीडीएफ कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में यहाँ पे था। अब मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा था मर्ज पीडीएफ जिसको मैं बोला सिंगल पीडीएफ। सिंगल पीडीएफ में यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया सिंगल। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक ऑप्शन और है जिसमें एक्सपोर्ट करेंगे और इसमें करेंगे मल्टीपल पीडीएफ फाइल, तो यहाँ पे पीडीएफ अलग अलग फॉर्मेट में ये सेव हो जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ मल्टीपल पीडीएफ में हर स्क्रीन का अलग अलग स्क्रीन्स आपको दिखेंगे। ये देखिए स्क्रीन्स वन का पीडीएफ यहाँ पे है, देखिए केवल वन पेज है यहाँ पे, और स्क्रीन्स अगर फोर के देखूं तो फोर का स्क्रीन केवल इस पेज में है। तो इस तरह से मल्टीपल पीडीएफ क्रिएट हुआ, जबकि सिंगल पीडीएफ जो है ये आपको यहाँ पे वन ऑफ फोर पेज है, यहाँ पे अगर हम टू प्रेस करके इंटर प्रेस करते हैं तो इस तरह से ये डिजाइन क्रिएट हो गया है। सबसे बड़ी बात है कि जो भी आप डिजाइन क्रिएट करते हैं ये कितनों भी आप बड़ा करें और आप वेक्टर इमेज यूज किए हैं तो कोई पिक्सलेटेड नहीं होगा, ये एक प्लस पॉइंट है। तो दोस्तों जैसा कि मैं बताया था कि ये वेक्टर बेस सॉफ्टवेयर है एडोबी एक्सटी और एक स्केच, ये देख रहे हैं आपका क्वालिटी में कोई इश्यूज नहीं आ रहा है, जितना बड़ा भी आप कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो ये जो है आपको वेक्टर बेस सपोर्ट करता है एडोबी एक्सटी। चलिए अब मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ फाइल में मैं जैसे ही गया एक्सपोर्ट में क्लिक किया
तो सिंगल पीडीएफ का मतलब समझ गए कि मल्टीपल स्क्रीन्स को एक ही पीडीएफ में अलग अलग पेज क्रिएट कर देता है। मल्टीपल पीडीएफ का मतलब है मल्टीपल पीडीएफ अलग अलग आर्टबोर्ड को अलग अलग स्क्रीन्स को अलग अलग पीडीएफ में जनरेट करेगा, जबकि सिंगल पीडीएफ में सभी स्क्रीन को एक ही पीडीएफ में अलग अलग पेज में क्रिएट करेगा, ये डिफरेंस होता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ एसवीजी का। एसवीजी में दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं। एक अगर एसवीजी, यहाँ पे अब मैं डिलीट करता हूँ फाइल को समझाने के लिए कि कैसे ये वर्क करता है, और डेस्कटॉप पे मैं गया और इसके अंदर जो भी फाइल था पीडीएफ का वो मैं डिलीट कर दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ एसवीजी, एसवीजी इमेजेज में जब क्लिक किया। हाँ दोस्तों एक पॉइंट और, अगर आपको कोई यहाँ पे आर्टबोर्ड में इतने सारे स्क्रीन्स हैं और दो ही स्क्रीन्स को पीडीएफ बनानी है तो दो स्क्रीन्स को आपको सेलेक्ट करना होगा और फाइल में जा करके एक्सपोर्ट करना होगा। सिंगल बनाएंगे तो एक ही पीडीएफ में जो जो सेलेक्ट किए हैं स्क्रीन वो दोनों एक ही पीडीएफ के अंदर दो पेज में स्क्रीन्स दिख जाएंगे। मल्टीपल पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो जो जो आर्टबोर्ड सेलेक्ट करके गए हैं वो आपको अलग अलग पीडीएफ में जनरेट हो जाएंगे। तो अगर विदाउट सिलेक्शन के आप गए हैं तो आपको टोटल क्रिएट कर देता है, और अगर सेलेक्ट करके गए हैं तो वो पार्टिकुलर सेलेक्ट करके प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपको अगर इसका एक पीडीएफ बनाना है तो फाइल में गए और एक्सपोर्ट गए और यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, और जब यहाँ पे मैं गया तो आप देख रहे हैं कि ये पीडीएफ जो है इस तरह से क्रिएट हो गया है, लेकिन ये लेयर अलग था इसलिए एक ही यहाँ पे शो कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ एक्सपोर्ट में एसवीजी बता रहा था। एसवीजी में जैसे ही हम एक्सपोर्ट करेंगे ये दो लेयर को, सपोज या सिलेक्ट नहीं मैंने किया और इसको सीधा एक्सपोर्ट कर रहा हूँ एसवीजी में, तो कैसे बिहेव करता है। यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट किया और इस पे मैं गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अलग अलग स्क्रीन्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये आपको वेक्टर जो है वेक्टर फॉर्मेट में सपोर्ट कर रहा है, ये एसवीजी है। तो इस तरह से यहाँ पे एसवीजी आपको दिखाई दे रहा है टोटल विदाउट सिलेक्शन गए और एक्सपोर्ट किए तो। और अगर मैंने एक्सपोर्ट यहाँ पे लिंक पे किया और यहाँ पे साइज अगर ऑप्टिमाइज करना है तो आप कर सकते हैं, साइज और छोटा हो जाएगा एसवीजी का। यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑल पीडीएफ कर दिया। अब यहाँ पे जब मैं जाता हूँ और यहाँ पे जब देखा तो यहाँ पे देखने के बाद आपको पता चलेगा कि जितने भी इमेजेज थे वो इमेज का लिंक अलग हो गया, और ये लिंक अगर डिलीट करेंगे तो आपका इमेज से भी वो डिलीट हो जाएंगे। जैसे कि स्क्रीन्स वन में हमारा यहाँ पे एसवीजी बना हुआ है, बट अगर इस फाइल को मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि S1 स्क्रीन पे है, ये S1 स्क्रीन पे ये इमेजेज है और इसको मैंने डिलीट कर दिया, आप ओपन करेंगे तो हमारे यहाँ फोटोज नहीं दिखेंगे। तो ये लिंक था इसलिए दिखाई दे रहा था। अगर मैं ये भी डिलीट कर देता हूँ तो ये भी हमारा यहाँ पे जो लोगो था वो हट गया। तो इस तरह से ये जो है से लिंक हमारा काम करता है, जो कि अलग पाथ पे रख सकते हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट में आपको ये समझ में आ गया होगा, और इम्बेडेड में क्या होता है कि आपको
इमेज जो होता है एसवीजी के अंदर ही स्क्रिप्ट हो जाता है, जबकि लिंक में क्या होता है कि आपको एचटीएमएल फाइल अलग होती है, एसवीजी फाइल अलग होती है और उनका लिंक अलग होता है, ये चेंजेस था। अब मेन पॉइंट आपको बता रहा हूँ पीएनजी के बारे में। तो पीएनजी में आप देख रहे हैं यहाँ डिजाइन है, आपको डिजाइन को एक्सपोर्ट ऑल करना है, तो एक्सपोर्ट ऑल करेंगे तो आपका पूरा डिजाइन जो है यहाँ एक्सपोर्ट हो जाएंगे। अब इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पे दिख रहा है। देखिए यहाँ पे आपका स्क्रीन जो है पीएनजी बन करके रेडी हो गया है। और इसकी अगर साइज की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जाना है डिटेल्स में, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आपको डायमेंशन होगा, डायमेंशन, और इसको ऑन करके मैं चेक कर लेता हूँ कि इसका डायमेंशन देखिए 360, 360 और 360 का है। यहाँ पे इतना बड़ा साइज ये इमेजेस का है, क्योंकि इसको अब मैं बताता हूँ कि ये हमारा पीएनजी निकला। अब यहाँ से डिलीट किया, मैंने फाइल में गया, एक्सपोर्ट में गया, और यहाँ पे 1x वर्जन है। डिजाइन में जब क्लिक करते हैं तो डिजाइन को 1x वर्जन एक्सपोर्ट करता है, वेब में दो वर्जन है यहाँ पे 1x और 2x। अगर मैं 2x करता हूँ तो यहाँ पे जितना साइज है 360 और जो 640 साइज है उसका जस्ट डबल साइज यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1x 2x है और ये 180 180 180 का है, क्योंकि हमने जो टारगेट डिफाइन किया था वो 2x किया था। अगर 1x में टारगेट डिफाइन करूँगा तो यहाँ पे 1x पे ये हमारा डिजाइन 1x होगा, ये डिजाइन 1x होगा और जो एक्स्ट्रा जो क्रिएट होंगे वो 2x होगा। तो आप देखेंगे कि उसका डबल भी साइज हो जाएंगे, क्योंकि मैंने टारगेट 1x को किया। देखिए ये 360 का है और 2x वाली इमेजेज इसका जस्ट डबल है, यहाँ पे 2x वाली इमेजेज। तो ये इमेजेज आपको बड़े दिखेंगे, तो जूम करेंगे तो ये पिक्सलेटेड उतना नहीं होगा जितना कि 1x वाला पिक्सलेटेड होगा। ये देखिए ये ज़्यादा पिक्सलेटेड हो रहा है, क्योंकि ये 1x इमेजेज है। और इस पे अगर हमें दो ही स्क्रीन का डिजाइन क्रिएट करना है तो दो डिजाइन का ही क्रिएट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट गए, जैसे कि आपको आईओएस का डिजाइन चाहिए तो आईओएस का टारगेट हमारा है 1x, 1x का मतलब इसको 1x ट्रीट करेगा, और 1x ट्रीट करने का मतलब जो और 2x और 3x का इमेजेस बनेंगे ये रेजुलेशन का जस्ट डबल और ट्रिपल होंगे। जैसे कि एक्सपोर्ट कर दिया मैंने इसको और जो सेलेक्ट किया हूँ वही एक्सपोर्ट होगा। ये देखिए 1 और 2 आर्टबोर्ड को सेलेक्ट किया था, इसलिए 1 स्क्रीन 1 स्क्रीन 2 का, इसलिए 1 और 2 का ही 3 फॉर्मेट यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये इमेजेज बहुत ही बड़ा होगा क्योंकि ये 3x इमेजेज है। और यहाँ पे मैं गया और डिटेल्स में गया और यहाँ पे डायमेंशन सेट कर दिया, तो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो साइज है ये 360 360 और इतना एक एक 3x वाली इमेजेज इतनी बड़ी है, तो ये रेंडरिंग नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये है इमेजेज ऐसे बहुत ही बड़ा। और जैसा कि मैं बताया कि एक्सपोर्ट जो लेयर अगर आप सेलेक्ट नहीं किए हैं कोई आर्टबोर्ड तो पूरे आपको एक्सपोर्ट कर देगा, और अगर सेलेक्ट करके जाते हैं कोई पार्टिकुलर को तो आपको पार्टिकुलर डेटा ही सेलेक्ट करेगा। तो जैसे कि हमें अगर कोई एक इमेज इसको केवल एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पे मैं गया और सीधा एक्सपोर्ट किया, और ये आईओएस में
1x, 2x और 3x इमेजेस चाहिए तो एक्सपोर्ट कर दिए सिलेक्ट करने के बाद, तो जो हम सिलेक्ट करेंगे उसी का यहाँ पे डायमेंशन। तो आप देख रहे हैं 7371 हमारा जो साइज है यहाँ पे देख रहे हैं 7271, ये 1x था जिसमें हमारा डिजाइन बना हुआ है, ये डिजाइन बना हुआ है इस साइज में 71 और 72 में, यहाँ 70 और 1x को मैंने टारगेट किया था और 2x 3x इसको क्रिएट किया। तो आप देख रहे हैं कि जो साइज है ये बहुत ही छोटा है और ये उससे डबल है, और इससे 1x से ये वाला जो साइज है ये ट्रिपल है। तो इस तरह से हम इमेजेस एक्सपोर्ट करते हैं। आगे मैं नेक्स्ट पॉइंट में ये बताता हूँ कि अगर मुझे इस स्क्रीन को रेटिना हमें 3x डिवाइस में नेक्सस 5 में क्रिएट करना है डिजाइन, तो इसका जो रेजुलेशन है 366x40 को, इसे हम अगर 3x से यहाँ से आईओएस में जाएंगे और यहाँ पे हमें डिजाइन 100% जो बना हुआ है ये MDPI है एक्सपोर्ट कर देंगे, तो आप देखेंगे कि एक लास्ट वाला जो होगा हमारा जो एक्सपोर्ट का ऑप्शन है यहाँ पे, ये जो रेजुलेशन होता है ये 300 वाला, ये नेक्सस 5 का होता है, और ये जो डिवाइस देख रहे हैं ये होता है आपका नेक्सस 6 का, और ये 2x वाला जो होता है वो होता है XHDPI जो कि नेक्सस 4 को कह सकते हैं। तो अब मैं इसको एक्सपोर्ट किया MDPI टारगेट में, तो 100% का मतलब ये जो आर्टबोर्ड बने हुए हैं ये 360 और 640 पे बना हुआ है, और इसको मैंने इतने रेजुलेशन पे स्केल किया है 100% का, 300 करूंगा तो नेक्सस 5 होगा, क्योंकि इस डिवाइस को अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ 360 640 का तो नेक्सस 5 का रेजुलेशन आता है, और अगर इस रेजुलेशन को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ नेक्सस 6 का डिवाइस का रेजुलेशन प्राप्त होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग फोल्डर बन चुका है, और यहाँ पे हम अगर देखते हैं XHDPI में MDPI में तो साइज हमारा जो होगा यहाँ पे, साइज यहाँ पे हमारा डिटेल्स ये हमारा साइज जो है 360 और 640 है, जबकि अगर मैं इसमें बताया हूँ कि डबल XHDPI नेक्सस 5 का होता है, इसकी अगर डायमेंशन अगर मुझे चेक करना है तो प्रॉपर्टीज में भी जाकर के चेक कर सकता हूँ। तो इसका ये देखिए 1080 और 920 जो रेजुलेशन होता है नेक्सस 5 का वो है, और हमारा इस पे अगर जाते हैं और इस पे प्रॉपर्टीज में जाकर के डायमेंशन डिटेल में जाते हैं तो 1440 और 2560 डायमेंशन है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि एक्सपोर्ट का जो फंक्शन है इमेज एक्सपोर्टिंग का वो आपको समझ में आ गया होगा, और बहुत ही आसानी तरीके से जो इजीएस्ट वे इजी टू यूज प्रोसेस से मैंने आपको बताने का कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा, और यदि अभी भी आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, वीडियोज को लाइक करें, और व्हाट्सएप सोशल मीडिया ट्विटर गूगल प्लस इंस्टाग्राम पे आप प्लीज शेयर कर दें, और हमारे चैनल को यदि आप नए यूजर हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।